तो दोस्तों, मैं हूं आपका ऑटो ऑडिटिंग नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज RS 250 BS60। मैं बात करता हूं, तो चलो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं आपको इस बाइक के बारे में, जैसे कि मैं आप लोगों को चीज़ें पहले क्लियर करता हूं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में इस बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करिए तो इस बाइक के बारे में, देखो जैसे कि ये जो बाइक है, इस बाइक के बारे में अगर मैं फ्रंट से स्टार्टिंग से बात करूं, तो इस बाइक के अंदर आपको फुल्ली LED लाइट्स मिल जाएगी। वो इंडिकेटर हो, आपको उसके फ्रंट के लाइट्स हो, रियल लाइट हो या टेल लाइट हो, वो सब आपको इसके अंदर LED मिल जाएगी। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस बाइक के बारे में, जैसे कि इसके अंदर आपको VRL A टाइप की बैटरी मिल जाएगी, जो कि बजाज अपनी हर कंपनी बाइक में अपनी बाइक में यूज़ करता है। इसके अंदर बात करें तो फ्रंट में आपको इसके अंदर 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियल के अंदर जो मिलेगा वो मिलेगा 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। वहीं पे अगर बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको फुली LED लाइट्स मिलने वाले हो। वहीं पे इस बाइक का जो कर्व वेट होने वाला है वो होने वाला है 175 kg का कर्व वेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इस बाइक की जो पेट्रोल टैंक होने वाली है वो होने वाले 30 लीटर्स की आपको इसके अंदर पेट्रोल टैंक मिल जाएगी। और वहीं पे इस बाइक का जो ब्रिज होने वाला है वो होने वाला है 8000 यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, इसकी आपको जो ब्रिज मिलेगी वो मिलेगी 836 mm की आपको इसके अंदर ब्रिज मिल जाएगी। बात करी जाए तो इस बाइक की हाइट के बारे में, तो इसके अंदर आपको 1112 mm की हाइट मिलेगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा सही मिलने वाली है, वो मिलेगी आपको 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। यानी अगर ये बाइक देखी जाए तो फुल फेयरिंग की बाइक होने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दे देगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। वैसे अगर मैं देखा जाए तो इसके अंदर RS 200 की बात करिए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़मीन बिल्कुल टच होती ही नहीं है, जैसे बहुत ऊँचे ऊँचे शॉकर्स होते हैं उसमें भी टच नहीं होती। तो 160 mm के हाइट के हिसाब से काफ़ी बेस्ट ही है। वैसे अगर देखा 160 ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही है। बात करिए तो इस बाइक के व्हील बेस के बारे में, तो वो व्हील बेस मिलेगा आपको 1453 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। और वहीं पे अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे, और वहीं पे इसके अंदर आपको रेडियल टायर भी साथ के साथ मिल जाएंगे। इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है आज के टाइम पे। तो खैर हर कंपनी ट्यूबलेस टायर दे रही है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ मुझे अब के टाइम पर लगी कंपनियों की। इस बाइक के अंदर आपको जो फ्रंट व्हील साइज मिलेगा वो मिलेगा 431.8 mm का फ्रंट व्हील साइज मिलेगा, और रियल व्हील साइज जो मिलेगा वो मिलेगा 431.8 mm का रियल व्हील साइज मिल जाएगा। इसके अंदर 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा, और रियल जो टायर मिलेगा वो मिलेगा 130/70 का आपको इसके अंदर रियल टायर मिल जाएगा। इस बाइक के अगर शॉकर्स की बात करें तो फ्रंट में इसके अंदर आपको इस बार ही जो मुझे लग रहा है इस बार इसके अंदर आपको USD सस्पेंशन मिल जाएंगे, और वहीं पर आपकी जो USD सस्पेंशन की हाइट MM होगा वो होगा 135 mm का आपको इसके अंदर सस्पेंशन मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इस बाइक के अंदर आपको जो चैसिस मिलेगी वो मिलेगी आपको बीम टाइप प्रीमियर फ्रेम चैसिस मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। इस बाइक के अंदर आपको मोनोशॉक का सस्पेंशन मिलेगा, वो भी इस मोनोशॉक का सस्पेंशन का जो साइज होगा वो होगा 110 mm का आपको इसके अंदर सस्पेंशन रियर सस्पेंशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में, तो जैसे कि अगर हम लोग इस बाइक के इंजन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अब आ गई है, तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिलेगा वो मिलेगा 248.77 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा, और इसके अंदर आपको ट्विन स्पार्क प्लग का भी आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। वहीं पर बात करें तो इसके अंदर आपको 248 cc का सिंगल 248.77 cc का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकल के देगा वो निकल के देगा 27 PS एट 8500 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा 23.5 Nm एट 6500 RPM पर। इसके अंदर आपको BS6 का इंजन मिल जाएगा, सिंगल सिलेंडर का ही आपको इंजन मिलने वाला है। अगर बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी, वहीं पर आपको इसके अंदर 4 valves मिल जाएंगे। इस बाइक के अंदर आपको पेट्रोल मतलब आप जहाँ तक मेरी मानते हो इसके अंदर पेट्रोल आप डलवा सकते हो, लेकिन इसके अंदर अगर मेरी मानते हो आप स्पीड का पेट्रोल डलवाओ, स्पीड का पेट्रोल को थोड़ा सा ऑक्टेन ज़्यादा होता, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन वो इंजन को काफ़ी ज़्यादा हद तक रिफाइन करके रखता है। इस बाइक के अंदर आपको 6-speed गियर बॉक्स मिल जाएगा, वहीं पर इसके अंदर आपको डुअल डिस्क की बाइक मिल जाएगी। बात करी जाए तो इसकी इस बाइक ये जो बाइक है ये आपको 0 to 100 ये आपको चलेगी 10.5 सेकंड के अंदर चली जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बात करी जाए जैसे ये जो बाइक है, अगर देखा जाए तो यार पर्सनली ये बाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है लुक के मामले में, इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है। मतलब अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर जैसे आपको रियल टाइम माइलेज मिल जाएगा, ठीक है, आपको FI के इंडिकेटर मिलेगा, ऑडियो मीटर मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाएगी,
और बाकी सारी इसके अंदर आपको क्लॉक, बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप थ्री, सब कुछ आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। देखा जाए तो वैसे तो ये बाइक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज़ बाइक की जो मुझे लगती है वो लुक के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। आप इसको ऑन रोड चलाओ, ऑफ रोड चलाओ, इस बाइक के अंदर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। ऑन रोड में भी, ऑफ रोड में भी, कहीं भी लेकर जाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे 200 में भी आप लोगों को पता कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस, अगर पर्सनली मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस बाइक को भाई कैसे भी करके मॉडिफाई कर लो, कैसा भी कुछ भी कर लो भाई, बहुत प्यारी बाइक लगती है, ठीक है। और इस बाइक के अंदर इस बार की जो आपको जैसे सीट मिलेगी वो रियल की जो सीट मिलने वाली वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी। जैसे कि हम लोग को पता है कि मतलब जैसे सीट में होते तो थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं आते, लेकिन इस बार की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आएगी। और दूसरी चीज़ देखी जाए तो इस बाइक का जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली लगती है वो उसका टेल सेशन लगता है। अगर आप लुक के अकॉर्डिंग देखो तो इस बाइक का टेल सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। टेल सेशन देखो बिल्कुल अलग सा ही लुक आता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना मेरे को डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएगा।